आप सबने देखी होगी जब जादू ने रोहित के सर पर पादू हाथ फेर कर उसे शक्तियां दी, रोहित एकदम से बावला हो गया। वो चाहता तो जिंटा के द्वारा तोड़े उसकी नई ठुठुनिया का बदला ले सकता था, या चाहता तो अपने पीठ के उच्च जगह पर खुजला सकता था जहां दुनिया नहीं पहुंच पा रही। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने ला एक ऐसा ब्रांड, एक ऐसा प्रोडक्ट जो इस दुनिया में कोई नहीं कर रहा था। क्या था वो प्रोडक्ट? पहला चारिस का बॉक्स, पहला जूता आ गया हमारे पास में। ब्लैक एंड ग्रे कलर का पूरा बॉक्स है। नीचे में आपको चारिस की ब्रांडिंग मिल जाएगी और इसकी प्राइसिंग यहाँ पे लिखी हुई है अनबिलीवेबल 2999 रुपए। बहुत ज्यादा लिखा भाई, फटाफट निकालते हैं। स्नीकर की पूरी बॉडी लेदर से बनाई गई है, मल्टीपल लेदर पैचेस के थ्रू आपको डिजाइन मिल जाएगी। स्टिचिंग्स की डिटेलिंग आपको देखने को मिलेगी। नेवी ब्लू कलर का पूरा ओवरऑल जूता है। नेवी ब्लू कलर का इसमें आपको लेस भी मिलता है। लेस होल्स की अगर बात करें ना, तो कहीं भी आपको मेटल के आईलेट्स देखने को नहीं मिलते, सिर्फ एंड में आपको एक मेटल का आईलेट देखने को मिलेगा, वो भी नेवी ब्लू कलर का है। टंग की बात करें तो पूरा लेदर का टंग है, बहुत पतली इसमें आपको पैडिंग देखने को मिलती है। और ऊपर में हाईलाइट देने के लिए एक लेदर पैच लगाया गया है येलो कलर का। ऊपर में आपको एचआरएस की ब्रांडिंग मिल जाएगी जो कि प्रिंटेड है, सिल्वर कलर में है। और बैक की तरफ भी आपको यही कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे। एचआरएस की आपको ब्रांडिंग भी मिल जाएगी। साइड की पैडिंग वैडिंग इसमें डिसेंट अच्छी रखी गई है। इंसोल की बात करें ना, तो इतू सा भी इसका इंसोल दबता नहीं है। और यहाँ पर भी आपको एचआरएस की ब्रांडिंग मिल जाएगी। अंदर अंदर तक आपको कहीं भी हल्की सी भी पैडिंग देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही अगर इसके आउटर सोल की बात करें, आउटर सोल की क्वालिटी अच्छी है, रबर इसमें यूज हुआ है। नीचे में आपको ग्रिप्स मिल जाएंगे, लेकिन कोई भी ब्रांडिंग नहीं मिलती। देखो ये छोटी मोटी चीज है, जब आप प्राइसिंग जानोगे ना जूते की, तो इग्नोर की जा सकती है। लेकिन जो एक्चुअल प्रॉब्लम है ना, वो इसके इनर साइड में है। अगर इसके इंसोल को देखोगे, इंसोल ना जरा सा भी फॉर्म फील नहीं होता, थोड़ा सा भी ऐसा लचर पचर दबता नहीं है। साथ ही अपर का जो लाइनिंग इसमें दिया गया ना इंसोल में, वो लेदर या रबर टाइप की मटेरियल का है, जिसके कारण पैरों में स्वेट ज्यादा होगा, गर्मी ज्यादा होगी। क्योंकि कहीं भी आप देखोगे ना, तो बाहर से एक छेद आपको नहीं मिलेगा वेंटिलेशन के लिए। और अंदर की तरफ ना यहाँ पर एकदम हार्ड सेफ्टी शू, अगर आपने कभी देखा हो, उस टाइप का ना कड़क कड़क फील होता है। ओवरऑल जूता देखने में खूबसूरत है। कंफर्ट्स पे, वेंटिलेशन पे थोड़ा काम किया जा सकता था। प्राइसिंग इसकी तगड़ी है, जो कि है महज 1100 रुपए। अगर आपको एचआरएक्स का एक जूता चाहिए, आप डेफिनेटली जा सकते हो। बट नेक्स्ट एचआरएक्स का बॉक्स आ गया। यहाँ पर भी कलर कॉम्बिनेशन एकदम मस्त है, और एचआरएक्स वाला है ब्लैक एंड ग्रीन, खूबसूरत लग रहा है। नीचे में आपको एचआरएक्स की ब्रांडिंग मिल जाएगी, ऊपर में परफॉर्मेंस लिखा हुआ है। अलग अलग शू के कैटेगरी के हिसाब से ना इनके बॉक्स के अलग अलग कलर होते हैं। प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ भाई 2500 रुपए, 1 रुपए कम, फटाफट निकालते हैं। एक कागज, दो कागज, काफी ज्यादा लाइट वेट है। जूते का लुक बहुत ज्यादा कैजुअल टाइप का रखा गया है। पूरी अपर बॉडी नेटेड फैब्रिक से बनाई गई है। ओवरऑल जूता व्हाइट ही व्हाइट आपको दिखेगा, कहीं कहीं रेड देखने को मिलता है। फिटिंग की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। वैसे कोई विजिबल होल्स नहीं है, लेकिन क्लोजली मैं देखूं ना, तो अंदर का जो इंसोल है हल्का हल्का यहाँ से दिखता है, तो वेंटिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। साइड में डिजाइनिंग के लिए थोड़ी सी निटिंग के ही थ्रू यहाँ पर रेड कलर डाला गया है, दोनों साइड में है। व्हाइट कलर आपको लेस देखने को मिल जाएगा, जो कि बस डिजाइन के लिए है, क्योंकि ये है एक स्लिप ऑन शू। यहाँ पर आपको फ्यूज्ड टंग मिलता है। रेड कलर की निटिंग आपको इसके कॉलर के पास में देखने को मिलेगी, जो कि बाहर से भी थोड़ी थोड़ी सी दिखती है। बैक में आपको एक पुल टैप मिल जाएगा, जो कि पहनने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और इसमें आपको ऑरेंज कलर का बहुत ही सस्ता टाइप का इंसोल मिलेगा, जिसपे आपको एचआरएक्स की ब्रांडिंग मिल जाएगी। आउटर सोल की बात करें तो एक्चुअल में इसका आउटर सोल ना बहुत ज्यादा अच्छा है, पैरों में बहुत अच्छा कुशन आपको फील करवाएगा। कट्स एंड डिजाइनिंग यहाँ पर बनाई गई है। नीचे में कोई आपको हार्ड रबर ग्रिप नहीं मिलती। एक चीज आप नोटिस करोगे, ना ही अंदर में कोई जूते की इन्फॉर्मेशन है, ना ही बैक में ब्रांडिंग, फ्रंट में ब्रांडिंग, इंसोल में ब्रांडिंग, कहीं भी आपको ब्रांडिंग नहीं मिलेगी, बस इंसोल में। और ये जूता ऐसा फील करवाता है ना कि अचानक ने कहीं से उठाया कोई जूता और उसमें जो इंसोल था उसमें बस अपना ठप्पा मार दिया ब्रांड का और बेच रहे हैं। इस टाइप का जूता फील होता है। पहनने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, एक अच्छा डिसेंट जूता फील होता है। और नेक्स्ट बॉक्स आ गया हमारे पास में, और अब तक आपका मूड खराब हुआ है ना, तो ये जूता देखकर आपको मजा आ जाएगा। एचआरएस का आपको वही सिंपल बॉक्स देखने को मिल जाएगा। वैसे यहां पर इसकी प्राइसिंग की बात करें, 5099 रुपए, पैसा बड़ा चीज मिला, मस्त मस्त। जस्ट लुक एट दिस, इस जूते को देखकर ऐसा लगता था भाई कि हाँ एचआरएक्स का जूता है। जूता पूरा ग्रे कलर का है, व्हाइट कलर आपको सोल मिलेगा। फ्रंट में आपको पूरी नीटिंग तो देखने को मिलती है, लेकिन बहुत अमेजिंग पैटर्न में से बनाया गया है, वही पैटर्न पूरा बैक तक फॉलो होता है। साइड साइड में आपको लेदर पैचिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि अच्छी क्वालिटी की है, ग्रे कलर की है। लेस होल्स के लिए यहाँ पर आपको रबर पैच देखने को मिलता है, जिसके थ्रू आप अपना लेस पार करके टाइट वाइट कर सकते हो। बीच में आपको पूरा टंग होल्डर देखने को मिल जाएगा। बैक की तरफ पूरा लेदर पैच दिया गया, एक पुल टैप दिया गया, जिसके बीच में आपको रिफ्लेक्टिव मटेरियल की कोटिंग देखने को मिलेगी। साइड में आपको एक फैब्रिक का पूरा पैच देखने को मिलता है। तो मल्टीपल चीजों के थ्रू ना यहाँ पर बहुत अच्छी डिजाइनिंग की गई है। अब चूंकि ये हाई टॉप स्नीकर है, हाई एंकल के पास में अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से पैडिंग के थ्रू ना डिजाइनिंग को बनाया गया है। टंग इसका पूरा निटिंग से बना हुआ है, अच्छी खासी पैडिंग इसमें दी गई है। ऊपर में आपको एचआरएक्स की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। साइड साइड की पैडिंग वैडिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, अच्छा खासा इसमें शू शेपर भी दिया गया है। अंदर की बात करें ना, अंदर में मेमोरी फोम ही है, लेकिन हाँ अच्छी डिसेंट क्वालिटी का है। अंदर में आपको एचआरएक्स की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाएगी। आउटर सोल इसमें हार्ड रबर का नहीं, बल्कि ईवीए फोम का डाला गया है। एक और छोटी सी खूबसूरत चीज मैं आपको बता दूं कि नीचे वाला जो पूरा
पार्ट है ना वो आपको बड़ा ही मैट और सिंपल सा देखने को मिलेगा, लेकिन अपर वाले फैब्रिक में चूंकि HRX एक स्पोर्ट्स ब्रांड है, थोड़ा सा ना वो स्पोर्ट्स वाला टच इसमें डाला गया है। जो हाई एंकल वाला पार्ट है ना हल्का हल्का ना शाइन करता है लाइट में। सीधी बात कहूं ना तो इस जूते को इतना प्यार से दिखाने का ये भी एक मतलब है ना कि आज से करीब 4-5 साल पहले सेम HRX का ये जूता मुझे बहुत ज्यादा पसंद था, मैं किसी कारण से ले नहीं पाया, लेकिन एक्चुअल जब मैं इसे हाथों में आज पकड़ रहा हूं ना बहुत तगड़ी चीज लगती है, पहनने में बहुत ज्यादा लाइट वेट है। अगर आपको एक नीट क्लीन सिंपल कंफर्टेबल हाई टॉप स्नीकर चाहिए ना डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हो। रिटर्न का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, फटाफट चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ऑलराइट, नेक्स्ट जूता है हमारे पास में एक और HRX का खूबसूरत सा बॉक्स, यहां पर HRX की ब्रांडिंग मिल जाएगी और प्राइसिंग यहां पर कहीं नहीं लिखी गई। खैर फटाफट निकालते जूते को। अच्छा अंदर में तो MRP टैग मिल जाता है। HRX का बॉक्स आपने देख लिया, जूता आपने देख लिया, कागज को निकालते हैं। बहुत ज्यादा लाइट वेट जूता है, ऊपर की पूरी बॉडी नीटेड फैब्रिक से बनाई गई है, जहाँ पर आपको टील ब्लू एंड ब्लैक कलर के थ्रेड्स देखने को मिलेंगे, अच्छी क्वालिटी का है। पीछे आपको पूरा ग्रे कलर मिलता है, जहाँ पर एक एक्स्ट्रा ना ऐसे ताज जैसा बनाया गया है, एक पुल टैप का बेसिकली ये काम करता है। अंदर की तरफ आपको कुछ मिलता नहीं है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ नीटेड फैब्रिक है। इनसोल इसमें भी आपको मेमोरी फोम देखने को मिलेगा HRX की ब्रांडिंग के साथ। आउटर सोल आपको इसमें EVA टाइप के मटेरियल का मिलता है, बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं है, हल्की हल्की आपको डिजाइनिंग देखने को मिल जाएगी। नीचे भी आपको कोई हार्ड ग्रिप नहीं मिलता और यहाँ पर लिखा हुआ है स्पोर्ट्स। ये खतरनाक बात नहीं है, अगर आप इसके टैग को देखोगे ना तो यहाँ पर भाई इसके टैग में लिखा हुआ है मेट्रोनट, और मेट्रोनट के जूते अलग मिलते हैं, अलग बनते हैं। अब यहाँ पर मेट्रोनट का टैग है, HRX का बॉक्स है, लेकिन इनसोल में लिखा हुआ है HRX। क्या कंपनी कहना चाह रही है मेरे को नहीं पता, इनके अंदर का क्या झोल झपाटा है। इसकी प्राइसिंग है देखो 599, 600 रुपए, लेकिन लिटरली इस जूते की ऐसी क्वालिटी है ना कि 300 से ज्यादा में नहीं बिकना चाहिए, और 300 में ऐसा मिलता है। HRX से ना हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी क्योंकि भाई HRX के स्टोर्स खुल रहे हैं, कंपनी के साथ इतने बड़े सेलिब्रिटी का नाम जुड़ा है। स्टार्टिंग डेज में HRX का मोटिव ही कुछ और लगता था और अभी मोटिव ना कुछ और लगता है। ऑलराइट, नेक्स्ट HRX का बॉक्स, और यहां पर इसकी प्राइसिंग लिखी हुई है 4,299 रुपए, सेम वही बॉक्स मिलता है, फटाफट निकालते हैं। ये जूते का आपको देखना चाहिए, जस्ट लुक एट दिस गाइस, क्या गजब चीज है। कागज को निकालते निकालते बता दो, आप देख के बोल रहे हो क्या गजब चीज है भाई, सिंपल सा तो जूता दिख रहा है। इसकी पूरी अपर बॉडी मेश से बनाई गई है, नेवी ब्लू कलर पूरा इसमें यूज हुआ है। साइड साइड में आपको मल्टीपल लेदर पैचेस देखने को मिल जाएंगे जिसकी क्वालिटी अच्छी है, स्टिचिंग्स वाली डिटेलिंग आपको इसमें पूरी मिल जाएगी, बैक में आपको एक पुल टैप मिल जाएगा, पीछे भी आपको लेदर पैच मिलता है, लेस होल्स के लिए कोई मेटल आइलेट्स नहीं दिए गए हैं, नेवी ब्लू कलर का लेस मिलता है, पूरा इसका मेश का मिल जाएगा। ऊपर में आपको एक लेदर पैच मिलेगा जिसके ऊपर में आपको ऑरेंज कलर से HRX की ब्रांडिंग मिल जाएगी, और जूते में आपको इनसोल मिलता है ऑरेंज कलर वाला, मेमोरी फोम वाला, HRX की थप्पड़ के साथ वाला। साइड साइड की पैडिंग वैडिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, अंदर तक देखोगे ना तो आपको हल्की हल्की पैडिंग चारों तरफ देखने को मिलेगी। आउटर सोल की बात करें, एक बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी वाला EVA फोम इसमें डाला गया है, सच में बहुत अच्छी क्वालिटी है। नीचे में आपको पूरा हार्ड रबर ग्रिप देखने को मिल जाएंगे, एंड ओवरऑल अगर जूते की बात करें ना, क्योंकि इसमें ज्यादा देखो बात करने को है नहीं, एक बहुत सिंपल सी डिजाइनिंग के साथ जूता आता है, इसका एक ब्लैक कलर भी आपको देखने को मिल जाएगा। जब मैंने इस जूते को पहना लाइक आई वॉज सरप्राइज्ड, इतना ज्यादा कंफर्टेबल ये जूता है, इतना ज्यादा फॉर्म इसका आउटर सोल या फॉर्म फील होता है, और एक्चुअल में ना ऐसा लगता है कि हाँ जूते ऐसे बनने चाहिए, मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी है इसकी। देखो हम पूरी मेहनत करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट दिखाएं जिसमें कम से कम कमियां हो, लेकिन हो जाता है, तो जो होता है वो मैं आपको बताता हूं, और इसी ऑनेस्टी के साथ हम वनचास में आपके लिए काम करते हैं। तो मेक श्योर कि अपने भाई के प्यार को और बढ़ाते हुए चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर इंटरनेट में चाहिए अमेजिंग अमेजिंग डील्स के फट फट नॉलेज तो टेलीग्राम में जाकर हमें फॉलो कर लीजिए, बहुत सारे लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। इस जूते की प्राइसिंग महज 1299, थोड़ी घोड़ी बढ़ सकती है, हमने सेल में लिया था इस जूते को, हाईली हाईली रिकमेंडेड है, आप आराम से जा सकते हो। और एक जूता के हमारे पास में फटाफट है, इसके प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2999, फटाफट इसे निकालते हैं, एंड जस्ट लुक एट दिस गाइस, एक और खूबसूरत जूता। देखो हर जूते खराब नहीं होते किसी भी ब्रांड के, लेकिन कुछ जूते होते हैं और ब्रांड को ये सारी चीजें सुधारनी चाहिए भाई। कलर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको कलर ब्लॉकिंग डिजाइन देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको व्हाइट ग्रे और ब्लू कलर देखने को मिलता है, मल्टीपल लेदर पैचेस के थ्रू आपको डिजाइनिंग देखने को मिल जाएगी, अमेजिंग अमेजिंग कट्स मिलते हैं, लेकिन जो मेन इसकी बेस बॉडी है ना मेश से बनाई गई है, बहुत अच्छी क्वालिटी का मेश इसमें डाला गया है, आपको पूरा मेश का मिल जाएगा, ऊपर में आपको लेदर पैच मिलता है और फिर उसके ऊपर में आपको HRX की ब्रांडिंग मिल जाएगी, साइड की पैडिंग वाइडिंग बहुत अच्छी है, और इसमें भी वही सेम सिंपल मेमोरी फोम डाला गया ऑरेंज कलर का। कोई कलर ही नहीं मिलता है क्या, मतलब जो अदर कंपनी भी थर्ड पार्टी बनाती है इनसोल, और ऑरेंज के अलावा कोई कलर मिलता है कि नहीं उनको, या ये भी हो सकता है कि इनसोल सारे नागपुर में बनते हैं, नागपुर में
में बहुत ज्यादा संतरा उगता है, मे बी हो सकता है इंस्पिरेशन। लेस आपको पूरा इसमें ग्रे कलर का देखने को मिल जाएगा। आउटर सोल की बात करें तो इस आउटर सोल को हमने पहले भी देखा हुआ है, इस वाले जूते में, ये व्हाइट वाले जूते में आउटर सोल था ना, सेम आउटर सोल इसमें भी डाला गया है। क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, व्हाइट वाला उतना मस्त नहीं फील हो रहा था पहनने के बाद, लेकिन ये भाई चारों तरफ से भाई मस्त गद्दा गद्दा फील होता है। और इसके लिए महज हमने भाई 1000 रुपए के आसपास पे किए हैं। आसपास इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि प्राइसिंग बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है। अगर आपको एक बेहतरीन कैजुअल स्नीकर चाहिए, इसकी डिजाइनिंग अच्छी लग रही है, डेफिनेटली जा सकते हो। इसकी जो डिजाइनिंग है ना, एक रेड टेप के जूते की तरह बहुत आराम से मिलती है। ऑलराइट, नेक्स्ट एंड द लास्ट बॉक्स आ गया हमारे पास में HRX का, वही सिंपल सा बॉक्स जहां पर इसकी प्राइसिंग लिखी हुई है। अरे यार, जूते देख लिया, आंख बंद करो। प्राइसिंग यहां पर लिखी हुई है भाई 2499। फटाफट से निकालते हैं, प्राइसिंग को मारते गोली, क्योंकि कौन देखता है ये हिंगोली। ओहो एक, ओहो दो, भाई बहुत ज्यादा हल्का जूता है। और ये कोई बहुत बड़ा मास्टर साइंस नहीं है कि हल्का जूता बना देते हैं। हल्का होने का रीजन ये है कि इसकी पूरी अपर बॉडी नेवी ब्लू कलर की है और साथ ही साथ मेश से बनाई गई है। टाइम भी आपको पूरा मेश का मिल जाएगा, जिसके ऊपर आपको HRX की ब्रांडिंग मिल जाएगी। इकलौती ऐसी ब्रांडिंग है ना जिसमें ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा सा मेहनत किया गया है। लेस भी आपको पूरा नेवी ब्लू कलर का मिलता है। साइड साइड में आपको रबर की कोटिंग देखने को मिलेगी, साइड में X यानी HRX की ब्रांडिंग मिलती है। और आपको क्या पता भाई HRX का मतलब क्या होता है? HRX स्टैंड फॉर ऋतिक रोशन एक्सट्रीम। ये पैच वाली ब्रांडिंग इसमें बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, अंदर की तरफ नहीं है सिर्फ बाहर की तरफ है। बैक में आपको रबर कोटिंग के थ्रू यहाँ पर डिजाइनिंग देखने को मिल जाएगी, और ये रबर कोटिंग एक्चुअली मड प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है, जो कि ग्रे वाले हाइट ऑफ स्नीकर में ना मिसिंग था, होना चाहिए था वहां पर। साइड साइड में आपको पैडिंग डिसेंट मिलती है, वही सेम मेमोरी फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा HRX की ब्रांडिंग के साथ। अंदर अंदर तक आपको हल्की हल्की पैडिंग मिलेगी क्योंकि मेश है ऊपर में। पीछे आपको एक पुल टॉप मिल जाएगा जिसमें कोई ब्रांडिंग व्रांडिंग नहीं मिलती है, और ग्रे कलर का आउटर सोल मिलता है, ठीक ठाक डिसेंट क्वालिटी का फॉर्म है, बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी में नहीं कहूंगा। नीचे आपको कोई भी ब्रांडिंग नहीं मिलती, एंड सीधी बात पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीज आप पीछे देख लो। मोरल ऑफ द स्टोरी है ना कि HRX के कुछ जूते अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ जूते ना बड़े ही जेनरिक 300-400 वाले टाइप के होते हैं। आई होप ये सारी चीजें फ्यूचर में फिक्स होगी। एंड अगर आपको ये अमेजिंग वीडियो अच्छा लगा, मेक श्योर की वीडियो को लाइक करके चैनल को जाकर सब्सक्राइब करके इंस्टाग्राम में टेलीग्राम में फॉलो कर ले। अभी के लिए बाय, जय हिंद, पीस, बूम।